Hello everyone, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I'm back with another video. So, आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम कुछ ऑडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ लास्ट में, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को लास्ट तक देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है. There are n number of definitions, but Professor Dixie ने दिया हुआ एक definition है जो काफ़ी simple है, तो वो आप देख सकते हैं. ये definition के बारे में हम detail बात करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, तो video को last तक देखें. So auditing क्या है? Auditing एग्जामिनेशन करना है हमको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का. और किस लिए ऑडिट किया जाता है? टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ऑडिटिंग एक टाइप का एग्जामिनेशन होता है, जो अकाउंटेंट ने काम किया है वो प्रॉपर किया है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें स्पेसिफिकली एक पर्सन होता है जो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके देगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फिलहाल हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में फोकस करेंगे. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट एज वेल एज दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने चाहिए. मतलब क्या है इसका ट्रू एंड फेयर व्यू का, कि हमारा जो बैलेंस शीट और हमारा जो P&L है उसमें जितनी चीज़ें रिकॉर्ड की है वो सारी चीज़ें सच होनी चाहिए. अब अकाउंट मेंटेन करने वाला जो अकाउंटेंट है उसने तो सारी चीज़ें सच लिखी है, लेकिन अगर उसने कुछ बाय मिस्टेकली गलत लिखा है, बाय इंटेंशनली गलत लिखा है, जिसको हम फ्रॉड के नाम से जानते हैं, तो वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट कौन देगा? तो उसके लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑडिटर. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू. ऑल मटेरियल आइटम्स आर डिस्क्लोज. सारे मटेरियल आइटम्स को हमें डिस्क्लोज करना है हमारे P&L में. कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, कुछ रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं करना है. एंड फाइनल अकाउंट सारे कंप्लाई करने हैं लॉ के साथ. दीज आर दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. नाउ कम्स दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. The secondary objectives, or we can also call that as incidental objectives. देखो, primary objective ये था कि हमारे जो balance sheet और P&L है वो proper true and fair view दिखाने चाहिए. अब secondary objectives ये है कि हमारा जो P&L और balance sheet है वो detection, उससे related हमको करना है, prevention करना है, किसका errors ढूंढने हैं, frauds identify करने हैं. और ऑडिटर क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, वाउचर चेक करता है. और ये सभी चेकिंग इसलिए किया जाता है कि वो सारे चीज़ें जो है वो एरर फ्री है या फ्रॉड फ्री है कि नहीं. वो इसीलिए एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का, अकाउंट्स का चेकिंग किया जाता है. ऑडिटर अगर कुछ एरर और फ्रॉड्स देखता है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ही टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट. वो प्रॉपर एक्शन लेता है और वो मैनेजमेंट को मैसेज कन्वे करता है कि ओवरऑल आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, आपके जो भी अकाउंट्स थे, वो अकाउंट्स में ये फ्रॉड्स और ये एरर्स मुझे मिले हैं, तो वो अकॉर्डिंगली अपना रिपोर्ट देता है. तो दिस इज़ दी ओवरऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एज कंसर्न. तो अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर. फर्स्ट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल इज वन टाइप ऑफ एरर विच इज ऑकरिंग व्हेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर वॉयलेटेड. अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया, कुछ असेट्स को लाइबिलिटीज मान लिया, लाइबिलिटीज को असेट्स मान लिया, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिखा ही नहीं, कुछ किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ऐसे अगर हमने प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो पहला टाइप का एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, लास्ट में हम एक स्मार्ट रिकैप भी करेंगे. सेकेंड जो टाइप का एरर है, दैट इज क्लेरिकल एरर. क्लेरिकल एरर में क्या होता है? लिखने वाला एरर है. मतलब गलती से कुछ 10,000 लिखना था तो 1 lakh लिख दिया, गलती से पोस्टिंग रॉन्ग हो गया. मतलब इसको हम ह्यूमन एरर के नाम से भी जानते हैं. सो क्लेरिकल एरर्स आर ह्यूमन एरर्स विच आर कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो कुछ अमाउंट्स लिखने में गलत हो गया.
अब उसमें फर्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन में दो पॉइंट्स होता है कि लिखा ही नहीं गया, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन, और एक में लिखा गया लेकिन पार्शियली लिखा गया, तो पार्शियल एरर है. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट ओमिशन के बारे में अगर बताओ तो एक सेल ट्रांजैक्शन हमने किया था और वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली ओमिट कर दिया. और पार्शियल ओमिशन के बारे में अगर बताओ तो एक हमने थोड़े गुड्स जो थे हमने कस्टमर्स को बेचे थे लेकिन वो सिर्फ सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड कर लिए और पार्टी के लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं किए. तो इसमें क्या हुआ, एक ही इफेक्ट हुआ, सेकेंड इफेक्ट हमारा रह गया. तो अगर आपने दोनों के दोनों इफेक्ट्स नहीं दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन. और अगर आपने एक इफेक्ट दिया है, एक जगह पे लिखा सेकेंड जगह पे नहीं लिखा, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड नंबर का एरर, क्लेरिकल एरर. अब क्लेरिकल एरर्स में एरर ऑफ कमीशन भी एक पार्ट आता है. एरर ऑफ कमीशन, द एरर ऑफ कमीशन बेसिकली क्या है, वो पोस्टिंग के वक्त होने वाले एरर्स है. एरर ऑफ कमीशन में तीन टाइप की अगर हम देखें तो चीज़ें आती है. एक होता है कास्टिंग एरर, एक होता है पोस्टिंग एरर, और तीसरा होता है रिकॉर्डिंग एरर. कास्टिंग का सिंपल मीनिंग है टोटलिंग एरर. फिर एरर ऑफ पोस्टिंग मतलब हमने गलत पोस्टिंग किया है, और अगर रिकॉर्डिंग एरर्स देखें तो गलत रिकॉर्ड किया है. देखो मैंने जो आपको बताया वही पॉइंट है, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर और रिकॉर्डिंग एरर. मैं हर एक के बारे में कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा और आपका डिटेल मैटर क्लियर करता हूँ. सो नंबर फर्स्ट इज कास्टिंग एरर्स. कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग. अगर हमने टोटल किया और टोटल हमने 1000 रुपीज़ लिखा है लेकिन एक्चुअली टोटल 900 निकला, तो इससे क्या हुआ कि हमारा टोटलिंग जो था वो गलत हो जाएगा, और ये एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे. पोस्टिंग एरर्स में हमने क्या कर दिया है, गलत पोस्टिंग कर दिया है. एक अकाउंट में डालना था, किसी और अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, तो वो गलत पोस्टिंग हो गया. और ये पोस्टिंग एरर भी अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को, लेकिन कुछ पोस्टिंग एरर्स होते हैं जो अफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को. फिर रिकॉर्डिंग एरर, एक सेल ट्रांजैक्शन को परचेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लिया, तो ये रिकॉर्डिंग एरर हो गया. फिर अगले टाइप का फैक्टर पड़ता है कॉम्पनसेटिंग एरर्स. देखो कॉम्पनसेटिंग एरर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज एक गलती से दूसरी गलती ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है. दैट मीन्स व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड और नलिफाइड बाय द अदर, मतलब एक एरर से दूसरी गलती ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई. एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बिल था 40,000 रुपीज का जो रिकॉर्ड नहीं किया था, साइमल्टेनियसली एक परचेस बिल था 40,000 रुपीज का, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एक सेल्स बिल था 40,000 का, एक परचेस बिल था 40,000 का, तो दोनों रिकॉर्ड नहीं हो पाए. तो एक एरर की वजह से देखो दूसरा एरर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है. एक जगह पे सेल भी रिकॉर्ड नहीं किया 40,000 का, एक जगह पे परचेस भी नहीं रिकॉर्ड किया 40,000 का. तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक एरर से दूसरा एरर ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है. दैट इज द पॉइंट कॉम्पनसेटिंग एरर्स. तो वन एरर कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर एरर, ऐसा आपको याद रखना है. कॉम्पनसेशन, देखो कॉम्पनसेशन का सिंपल मीनिंग है अगर कुछ कंपनी में कहीं एक्सीडेंट होता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो कॉम्पनसेट किया जाता है. तो एक एरर की वजह से ही दूसरे एरर को कॉम्पनसेट किया गया, ऐसा आपको सिंपल मीनिंग इसका याद रखना है. ठीक है, तो दैट इज द कॉम्पनसेटिंग एरर एज कंसर्न. नेक्स्ट एरर में जाते हैं हम लोग, एंड दैट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन. एरर ऑफ डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक एंट्री को ट्वाइस रिकॉर्ड किया गया है, एक एंट्री को डबल बार रिकॉर्ड किया है. सच एरर्स अराइज व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सच एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट आर पास करेक्टली. डेबिट का भी इफेक्ट करेक्ट और क्रेडिट का भी इफेक्ट करेक्टली दिया गया है, इसलिए ये एरर्स ट्रायल बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे. तो डुप्लीकेशन में सिंपल चीज आपको याद रखनी है कि एक ही एंट्री डबल बार रिकॉर्ड कर दी है, ट्वाइसली रिकॉर्ड कर दी है. अब थोड़ा स्मार्ट रिकैप करते हैं. फर्स्ट कौन सा एरर पढ़ा था हमने, एरर ऑफ प्रिंसिपल. सेकंड हमने पढ़ा क्लेरिकल. क्लेरिकल में हमने तीन पढ़े थे, कमीशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन. ठीक है, फर्दर ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे कमीशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन, इसके बारे में मैंने आपको अभी पॉइंट्स बता दिए हैं.
सो आप अगर प्रॉपरली इनको एज अ बेस याद रखोगे तो थोड़ा आपके लिए ईजी जाएगा। अब इस चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफाइन ऑडिटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, या प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये आगे के भी क्वेश्चंस में अलग वीडियो लेके आऊँगा। सो ओवरऑल दिस वॉज द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर मैं अगले बार वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।